हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू ऑल चैप्टर नंबर 8 फ्रॉम योर इंग्लिश बुक, दैट इज अ लेसन इन लाइफ फ्रॉम अ बेगर। सो विदाउट गेटिंग एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्ट। डू वी अप्रिशिएट थिंग्स इन लाइफ एज ऑफन एज वी क्रिटिसाइज देम? हम लोग जो है अपने लाइफ में जो है कोई भी चीज़ों को, क्या हम लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं या फिर उसे कभी कभार जो अप्रिशिएट मतलब तारीफ करते हैं, कभी कभार क्रिटिसाइज करते हैं मतलब बुराई करते हैं। When we complain about our difficulties, do we care about how others live? क्या हम लोग कभी अपने हमारे लाइफ में जो भी डिफ़िकल्टी होती है उसके बारे में जब कंप्लेन करते हैं, क्या सोचते हैं कि डू वी केयर अबाउट, तो दूसरे जो पर्सन है वो कैसे रहते होंगे? Who would tell us whether our perceptions, opinions and beliefs about the world and its people who are right or wrong? Some little incidents in life really can teach us that important lesson, as Meena in Sudha Mudi's story learned. ये स्टोरी है मीना के बारे में, जो कि सुधा मूर्ति स्टोरी लर्नड, मतलब वो भी उसके लाइफ में ऐसा कुछ हुआ जिससे कि उसको एक इम्पॉर्टेंट लेसन जो है लाइफ का वो उसे समझ में आया। Now we will start the chapter. Meena is a good friend of mine. She is an LIC officer earning a good salary. But there was something strange about her. She was forever unhappy. So in the story by the title A Lesson in Life from a Beggar, it details the story of the character Meena. This story is written by the author Sudha Murthy. Sudha Murthy is famous Indian writer and by profession she is a computer scientist. Sudha Murthy जो ये story लिखी है वो famous Indian writer थी, पर वो उसका जो profession था वो computer scientist थी and an engineer as well, engineer भी थी वो। The author has detailed a story around the central character Meena. Main character जो story का है वो Meena है, who by nature is a pessimist and cynic. Even if she has a good job, even within a reputed leading insurance company, उसके पास बहुत अच्छी जॉब थी इंश्योरेंस कंपनी में, लेकिन फिर भी वो सैड रहती थी, हर चीज़ सोचती मतलब हर समय सोचती थी कि कोई ना कोई प्रॉब्लम उसके साथ होगी। मूविंग ऑन हाउ द कैरेक्टर हैज़ चेंज्ड हर आउटलुक आफ्टर मीटिंग अ बेगर, उसके बाद क्या हो गया उसका ये एटीट्यूड चेंज हुआ कब, जब वो एक बेगर से मिली एंड स्टार्टेड गेटिंग रीड ऑफ हर एटीट्यूड। उसके बाद बेगर से मिलने के बाद जो भी उसका एटीट्यूड था लाइफ के लिए वो चेंज होने लगा। विथ रिस्पेक्ट टू हर बेसिक नेचर ऑफ बींग सीनिज्म एंड पेसिमिस्टिक एटीट्यूड, उसके बाद जो है वो बिहेवियर चेंज होने लगा। बिहेवियर चेंज कैसे होने लगा उसको डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर में। इसको अच्छा सैलरी मिलता था, LIC ऑफिसर थी। Whenever I met her, I would start to feel depressed. जब भी जो ऑथर है वो जब भी उससे मिलती थी तो वो उससे डिप्रेस्ड रहती थी, क्योंकि जब सामने वाला ही डिप्रेस्ड हो तो उससे अगर मिलेंगे हम लोग तो हम लोग हैप्पी नहीं होंगे बल्कि सैड हो जाएंगे। शी नेवर हैड एनीथिंग पॉजिटिव टू से ऑन एनी सब्जेक्ट, मीना जो है किसी भी टॉपिक पर वो कभी पॉजिटिव नहीं रहती थी, वो हमेशा उल्टा पुल्टा सोचती थी। फॉर इंस्टेंस आई माइट से टू हर, मीना डिड यू नो राकेश हैज़ कम फर्स्ट इन हिज स्कूल, तो एक बार जो है ऑथर ने उससे कहा था कि मीना तुम जानती हो राकेश जो है हमारे स्कूल में उसने फर्स्ट किया था। मीनास इमीडिएट रिएक्शन वुड बी टू बी लिटिल द अचीवमेंट, नेचुरली हिज फादर इज स्कूल टीचर सी वुड से, तो वो क्या बोलती थी कि उसके फादर तो स्कूल टीचर थे तो हो सकता है वो टॉप किया हो। इफ़ आई सेड मीना श्वेता इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल इजंट सी, अगर ऑथर उससे बोलती कि श्वेता जो है बहुत सुंदर लड़की है ना वो, सी वुड बी पेसिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक मीन्स कि वो मतलब जो भी चीज़ है वो कुछ ख़राब होने वाला है, उसको हमेशा फील होता था। वैन इज पोनी इज यंग ही लुक्स हैंडसम इट इज़ एज डेट मैटर्स, जब वो बोलती थी कि श्वेता बहुत सुंदर लगती है ना, तो वो मीना जवाब देती थी कि इस एज में तो सभी को सुंदर लगते हैं, इट इज़ एज डेट मैटर्स, ये एज ही है जो सुंदर दिखाता है। वेट फॉर सम टाइम श्वेता विल बी अगलियर देन एनी वन डेट यू नो, वो बोलती थी थोड़ा समय वेट करो श्वेता जो है वो अगलियर दिखने लगेगी सबसे। मीना इट्स अ ब्यूटीफुल डे लेट्स गो फॉर अ वॉक, और जब वो ऑथर बोलती थी मीना को कि चलो ब्यूटीफुल डे है हम लोग वॉक पे चलते हैं, तो जवाब देती थी मीना नो द सन इज़ टू हॉट, सन जो है सन में बहुत गर्मी है, एंड आई गेट टायर्ड इफ़ आई वॉक टू मच, और मैं ज़्यादा चलूँगी तो मैं थक जाऊँगी। बिसाइड हु सेज वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ देयर इज़ नो प्रूफ, और जो लोग कहते हैं वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, ये कोई प्रूफ के बिना ही वो लोग ये बात बोलते हैं, ऐसा मीना कहती थी। और यही था मीना का कैरेक्टर, हर चीज़ में उसे प्रॉब्लम होती थी। सी स्टेड अलोन इन एन अपार्टमेंट इन बैंगलोर, वो अकेले रहती थी एक फ्लैट में बैंगलोर में, एज हर पेरेंट्स लिव्ड इन दिल्ली, क्योंकि उसके पेरेंट्स जो थे वो दिल्ली में रहते थे।
शी वॉज एन ओनली चाइल्ड डेट हैड द हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग अबाउट एनीथिंग। और अपने पेरेंट्स की वो इकलौती ऐसी चाइल्ड थी जो को हर चीज़ के लिए कंप्लेन करना रहता था। नेचुरली सी वॉजेंट वेरी प्लीजेंट कंपनी एंड नो बडी वॉन्टेड टू विजिट हर। और जब कोई खुद ही सैड रहता है तो उसका कोई फ्रेंड भी नहीं होता है, ना ही उससे कोई मिलना चाहता है। वही मीना के साथ था, उससे कोई मिलना नहीं चाहता था। देन वन डे मीना वॉज ट्रांसफर टू बॉम्बे। तो मीना का बाद में ट्रांसफ़र हो गया बॉम्बे। सुन वी ऑल फॉरगॉट अबाउट हर। मैनी ईयर्स लेटर आई फाउंड माई सेल्फ कॉट इन द रेन एट बॉम्बे फ्लोरा फाउंटेन। तो ऑथर के पास से जब मीना चली गई तो उसको लगा कि चलो भूल जाएगी उसको, बहुत साल निकल गए। आई फाउंड माई सेल्फ कॉट इन द, उसके बाद क्या हुआ, ऑथर बॉम्बे गई तो वहाँ पर वो बारिश में फंस गई। कहाँ पर? कहाँ? बॉम्बे फ्लोरा फाउंटेन। इट वॉज पॉरिंग एंड डिडंट हैव एन अम्ब्रेला। उसके पास अम्ब्रेला भी नहीं था। आई वॉज स्टैंडिंग नियर ए पॉपुलर डिपार्टमेंट स्टोर वेटिंग फॉर द रेन टू सबसाइड। ये पॉपुलर डिपार्टमेंट स्टोर में जाके खड़ी हो गई कि बारिश खत्म हो गई तो मैं निकलूँगी। सडनली आई स्पॉटेड मीना, तो वहाँ पर उसको मीना दिखी। माई फर्स्ट रिएक्शन वॉज टू अवॉइड बींग सीन बाय हर। इसको ऐसा लगा कि चलो मुझे मीना दिखी तो मैं इसे अवॉइड करती हूँ, ऐसे इग्नोर करती हूँ मैं, क्योंकि अगर वो वहाँ मीना से मिल गई तो फिर वो कंप्लेन करना स्टार्ट कर देगी किसी भी चीज़ के बारे में। हाउएवर शी हैड ऑलरेडी सीन मी। पर वो उसको ऑलरेडी देख चुकी थी, मीना जो है ऑथर को ऑलरेडी देख चुकी थी। एंड कॉट होल्ड ऑफ माई हैंड चेयरफुली, और जल्दी से चेयरफुल्ली मतलब खुश होकर के इसका हाथ पकड़ ली ऑथर का। एंड सेड हे आई एम रियली एक्साइटेड। बहुत वो एक्साइटेड मतलब फील ऐसा शो ऑफ कर रही थी कि वो ऑथर से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश है। इट्स नाइस टू मीट ओल्ड फ्रेंड्स, मतलब पुराने फ्रेंड से मिलना बहुत अच्छा लगता है। वॉट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आई एक्सप्लेन डिट आई वॉज इन बॉम्बे एन ऑफिशियल वर्क। तो वो ऑथर बताती है कि मैं ऑफिशियल वर्क के लिए बॉम्बे आई हुई थी। देन स्टे विथ मी टू नाइट, तो वो उसको ऑफर करती है कि आज की रात तुम मेरे घर पर रुको, लेट्स चैट, हम लोग बातें करेंगे। डू यू नो डैट ओल्ड वाइन ओल्ड फ्रेंड्स एंड मेमोरीज आर प्रीसियस एंड रेयर। हम लोग वही पुरानी यादें जो हैं हम लोग वापस से उसको जो है वो जियेंगे। आई कुडंट बिलीव इट, ऑथर को बिलीव ही नहीं हुआ कि लड़की कैसे इतना मतलब वो हैपनिंग बातें कर रही है, क्या ये सच में मीना ही है या कोई और है। आई पिंच्ड माइसेल्फ, वो अपने को पिंच की, चुट्टी काटी कि क्या ये वही है या सपना देख रही है वो। बट मीना वॉज रियली स्टैंडिंग देयर, पर मीना सच में सामने खड़ी थी वहाँ पर, राइट इन फ्रंट ऑफ मी, सीधे सामने, स्क्वीजिंग माई हैंड, स्माइलिंग, स्माइल करते हुए हाथ पकड़े हुए। एंड यस शी डिड लुक हैप्पी, और वो सच में हैप्पी ही दिख रही थी। इन द 3 years शी हैड बीन इन बैंगलोर आई हैड नेवर, मतलब 3 साल से वो उसको जान रही थी जब वो बैंगलोर में रहती थी, और वो स्माइल नहीं करती थी जैसे अभी कर रही थी, और यहाँ पे अभी वो सडनली स्माइल कर रही है। अ फ्यू स्ट्रैंड्स ऑफ ग्रे इन हर हेयर रिमाइंडेड मी डैट ईयर्स हैव पास्ड। उसका बाल भी था काफ़ी वाइट हो गया था। देयर वर अ फ्यू रिंकल्स, रिंकल भी फेस पे आ गए थे, बट द ट्रूथ वॉज डैट शी लुक मोर अट्रैक्टिव दैन एवर बिफोर। 3 साल पहले वो यंग थी लेकिन फिर भी वो चमक नहीं थी, स्पार्कल नहीं था फेस पे, ब्राइटनेस नहीं था, लेकिन अब जो थोड़ी वो एजेड हो गई लेकिन फिर भी अभी मोर अट्रैक्टिव दिख रही है दैन एवर बिफोर, पहले से ज़्यादा। फाइनली आई मैनेज टू से नो मीना आई कांट स्टे विथ यू टू नाइट। तो ऑथर जो है वो कहती है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती आज, आई हैव टू अटेंड अ डिनर, मुझे डिनर पे जाना है। गिव मी योर कार्ड एंड आई विल कीप इन टच विथ यू। तुम मुझे अपना कार्ड दे दो, मैं तुमसे कॉन्टैक्ट में रहूँगी, आई प्रॉमिस। फॉर अ मोमेंट मीना लुक डिसअपॉइंटेड, लेट्स गो एंड हैव टी एट लीस्ट। ठीक है चलो तुम मेरे घर नहीं आ सकती और चलो हम लोग टी पीने चलते हैं कम से कम, वो फोर्स करने लगी मीना। बट मीना इट्स पॉरिंग, तो ये बहाना ढूंढ रही थी, तो बोलने लगी पर बारिश हो रही है, सो वॉट वी विल बाय एन अम्ब्रेला एंड देन गो टू ग्रैंड होटल। तो वो बोलती है क्या हो गया, हम लोग अम्ब्रेला खरीदेंगे उसके बाद ग्रैंड होटल में जाएंगे। तो इसको बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये इतनी पॉजिटिव कैसे हो सकती है, इसके पीछे जो रीज़न है वो क्या हो सकता है। सो डैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, गुड लक।